नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में तुला राशि के लिए हम शनि वक्री का प्रभाव लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक जो शनि वक्री होने जा रहे हैं, इसके लिए इसमें क्या क्या अच्छी संभावनाएं आपके लिए बनेगी, क्या इनका प्रभाव रह सकता है आपके लिए, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। आप साढ़े साथी को फेस किए, ढैया को फेस किए, उसके बाद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोग धीरे धीरे उभर रहे हैं, तो इस पर भी लास्ट में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आगे आपका मूवमेंट कैसा हो, शनि का रिजल्ट आपके लिए आगे कैसा रह सकता है वक्रत्व काल के बाद भी, तो आप इस चीज़ का ध्यान, थोड़ा सा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करने की। देखिए, शनि वक्री का सबसे पहले तात्पर्य समझिए। शनि जब वक्री होने का मतलब है कि शनि की गति का कम हो जाना, और जब गति कम होता है तो शनि और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। कैसे? अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, आप देखिएगा, अगर ट्रेन की गति जितनी अधिक होगी तो आप जो चीज़ें आपसे गुजर रही होंगी उसको आप ऑब्जर्व कम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और उसकी गति कम हो रही है, तो जितना गति कम होते जाएगी, जो भी चीज़ें आपके आसपास से गुजर रही हैं उसको आप और अधिक तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो शनि जब स्लो करते हैं अपने मोशन को, अपनी गति को, जब ये वक्री होते हैं, तब ये और इफेक्टिव होते हैं और अच्छे तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं, जज कर पाते हैं, अपना इफेक्ट ये छोड़ते हैं। तो ये तो हो गया कि इनके इफेक्टिव होने का। अब देखिए, बात है जो रिजल्ट्स है शनि का, शनि वक्री का रिजल्ट्स कैसा आपके लिए रह सकता है, क्या क्या संभावनाएं बनेंगी। देखिए, दो बात है। शनि का रिजल्ट जो मैंने अपने अनुभव में पाया है, वक्री शनि का रिजल्ट, वो सबके लिए एक जैसा नहीं पाया है। किसी के लिए कुछ अच्छा भी पाया है, किसी के लिए कुछ थोड़ा सा नेगेटिव भी पाया है। तो वो निर्भर करता है सबसे पहले कि आपकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट कैसा है, शनि किस स्थिति में बैठे हैं, किस राशि में है, किस ग्रह को देख रहे हैं, किससे देखे जा रहे हैं, वक्री हैं या मार्गी हैं, इस पर भी निर्भर करती है चीज़ें। अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री नहीं है और इनका रिजल्ट्स आपके लिए बुरा आ रहा है इस वक्त, तो संभावनाएं बनती हैं कि इसका रिजल्ट्स जो है वक्रत्व काल में आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री हैं और इनका रिजल्ट्स आपके लिए बुरा आ रहा है, तो भी संभावना बनती है कि इनका रिजल्ट्स आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए रहते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से, तो आपके लिए क्या क्या संभावनाएं शनि बनाते हैं अच्छा होने की, उस पर देखिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले जो संभावनाएं बनेगी, शनि आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं, फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स जब बेहतर होते हैं, तो सबसे पहली संभावना ये बनेगी कि अगर आपको सुख सुविधा की चीज़ों में दिक्कत आ रही थी, अगर आपको लैंड प्रॉपर्टी में कहीं लिटिगेशंस आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो सब चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती है। अगर कहीं लैंड प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे तो वो आप ले सकते हैं, ये सब संभावनाएं बन रही हैं। अगर किसी चीज़ से लगातार स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आपको हो रहा था, तो उसमें भी कमी होने की संभावनाएं बनेंगी, वो भी चीज़ आपके लिए कम होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, फिफ्थ हाउस में शनि पॉजिटेड है। अगर एजुकेशन को लेके दिक्कत हो रहा था, संतान को लेके दिक्कत हो रहा था, तो उसमें कुछ अच्छे न्यूज़ आपको मिलते हुए इन दिनों में दिखाई दे सकते हैं। उसके साथ साथ शनि की तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि, सप्तम हाउस पर है। अगर मैरिज रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, तो वहाँ भी आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, वहाँ भी आपके आर्ग्यूमेंट्स में कमी और रिश्ते मधुर होने के चांसेस बनेंगे, अगर शनि आपके लिए अच्छा रिजल्ट्स करते हैं और इनकी प्लेसमेंट ठीक है आपकी कुंडली में। अब देखिए, उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे शनि की दृष्टि आय भाव पर है, धन भाव पर है। अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम में ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे, शनि आपके इनकम को बिल्कुल नहीं होने दे रहे थे, या आपके धन, आपके वेल्थ आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी, तो वहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। कुछ अच्छा वेल्थ, कुछ अच्छा इनकम आपका इन महीनों में क्रिएट हो सकता है, इफ़ शनि गिव्स यू गुड रिजल्ट। और अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, संतान से नहीं उलझना है। फैमिली रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा जो है वो आप बेहतर सामंजस्य बनाकर चलिए, और कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट करने से पहले ठीक से देख लीजिए, फिर प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में लगाइए, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने बताया आपको, ये गोचर के आधार पर बताया, और जैसा मैंने कहा कि शनि का प्लेसमेंट और शनि किस कंडीशंस में आपकी कुंडली में बैठे हैं, उस पर भी इनका निर्भर करेगा, क्योंकि ये वक्रत्व काल में सबको एक जैसा रिजल्ट, जैसा मैंने अनुभव में पाया, नहीं करते हैं। अब देखिए, शनि जो आपके लिए हैं तो बहुत योगकारक ग्रह, चांसेस तो डेफिनेटली बनाते हैं कि वक्रत्व काल में भी आपको अच्छा रिजल्ट करें। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो सिचुएशंस आपके चल रहे हैं, फिफ्थ हाउस में शनि है, साढ़े साथी आपको खत्म हुई, ढैया आपको खत्म हुई, उसके बाद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों को नहीं हो रही है। देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं, तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही शौकीन मिजाजी आदमी हैं, खुश मिजाज आदमी हैं, एक बैलेंस पर्सनैलिटी आपकी होती है, हर चीज़ को तौल कर बोलना, सामने वाले का देख लेना, अगर गलती है तो गलत कहना, गलत चीज़ों को गलत, सही चीज़ों को सही सही कहना, आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना, ये इन्फ्लुएंस्ड होती है
सैटर्न से। आपकी जो पर्सनालिटी है ये इन्फ्लुएंस्ड होती है एक बैलेंस्ड नेचर से, जहां पर कि आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, और सही का साथ देना है गलत का साथ नहीं देना है, और उसके साथ साथ एक लग्जरियस लाइफ को जीने का एटीट्यूड आपके अंदर बहुत पहले से होता है, और लग्जरियस लाइफ आपको अट्रैक्ट भी करती है। अगर आपको सैटर्न ने प्रॉब्लम किया है साढ़े साथी में ढैया में बहुत सारा और आप दिक्कत में चल रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में मत रखिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं शनि के आगे के बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा। शनि सिक्स्थ हाउस में जाएंगे, सिक्स्थ हाउस में शनि का रिजल्ट आपके लिए बुरा नहीं है। 2025 में जाएंगे, अभी भी शनि का रिजल्ट जैसा मैंने बताया वक्रत्व काल में भी आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत सारी चीज़ों की अच्छी संभावनाएं बनती हैं जो आपको मिल सकती है। तो अपने आप को बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत रखिए, एंजाइटी में मत रखिए। जो आपका मूल स्वभाव है खुश रहना, अच्छे से जिंदगी जीना, और कमियों में भी मैंने तुला राशि को पाया, अगर इनको चीज़ों की कमी भी रहती है, पैसे की कमी भी रहती है, तो कम पैसे में भी ये अच्छी लाइफ को जीना जीने में बिलीव करते हैं। ये वह उन लोगों में से नहीं होते हैं कि हाँ भाई फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक हो गया तो हम बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को डाउन कर लिए, वैसा नहीं होते हैं। और थोड़ा ये मतलब समाज में अपना प्रभाव बनाकर चलने वाले होते हैं, ये चाहते हैं सम्मान मेरा बहुत अच्छा रहे, ये सब चीज़ें आप में होती है। तो अगर शनि आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स कर रहे हैं ढैया खत्म होने के बाद से, तो डेफिनेटली आप उस आपके लिए रिजल्ट्स और अच्छे होने की संभावना है। अगर ढैया के बाद भी आपको परेशानियां चल रही है, तो डेफिनेटली जब शनि सिक्स्थ हाउस में जाएंगे वहां से भी रिजल्ट्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में जब ये बैठेंगे तो इनकी दृष्टि आपके आय भाव से, धन भाव से, सप्तम हाउस से हटेगी, तो इनकम होने के चांस, बिजनेस ग्रो होने के चांस जो है वो सब बढ़िया बनेंगे। रेस्ट देखिए, ये एक मैंने गोचर आधारित चीज़ें बताई, इस पर ही चीज़ें निर्भर नहीं करती, आपकी कुंडली में सैटर्न की पोजीशन कैसी है, बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सब पर आपका रिजल्ट्स निर्भर करता है। तो एक बार अपनी कुंडली भी ज़रूर दिखाइएगा अगर आप अधिक डिटेल में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, मुझसे कराना चाहें अगर एनालिसिस, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, अगर आपको कहीं और अच्छा लगे वहाँ भी करा सकते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोशिश रहती है आपको सही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ देने की। थैंक यू सो मच।